हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप एजुकेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने दोनों ही टॉपिक्स यानी मैक्रो और माइक्रो दोनों ही टर्म्स के बेसिक मीनिंग देखे थे और दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक। आज इस लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर, लेट अस टेक अ क्विक रिविजन अबाउट द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द एंटायर इकोनॉमी। दिस मीन्स जहाँ पे हम एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमी स्टडी नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमी को पीसेस में यानी पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसके एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल पार्ट को वो डिटेल में स्टडी करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट। ये मीनिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस समझो। सो स्टार्टिंग विथ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो जो फर्स्ट फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब ये आपके प्रीवियस मीनिंग से ही रिसेंबल करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म। सो दिस मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड नॉट द एंटायर इकोनॉमी। इट ओनली स्टडीज एन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। योर सेकेंड फीचर इज स्लाइसिंग मेथड। अब स्लाइसेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप फ्रूट, किसी भी फ्रूट को स्लाइसेस यानी अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो और आप उसके एक सिंगल पीस को अगर समझो डिटेल में स्टडी कर रहे हो तो दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड यानी एंटायर इकोनॉमी को डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइड करना। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इंटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। सो सेम थिंग इज रिपीटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड्स द एंटायर इकोनॉमी इंटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एंड इट स्टडीज एन इंडिविजुअल यूनिट, उसमें से एक ही यूनिट को वो डिटेल में स्टडी करता है। अवर थर्ड फीचर इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो फैक्टर्स यानी दो चीज़ों पे बैलेंस होना है। जैसे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर का जो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आप डिमांड और सप्लाई दोनों ही फैक्टर्स के बीच में जब बैलेंस को स्टडी करोगे देन यू कैन से कि आप इक्विलिब्रियम पोजिशन के बारे में पढ़ रहे हो। लेकिन हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमें पता है वो सिर्फ एक सिंगल यूनिट या सिंगल फैक्टर के बारे में स्टडी करता है। तो जब आप सिंगल फैक्टर के बारे में ही स्टडी कर रहे हो तो आप दो चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे स्टडी कर पाओगे? सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। सो सेम थिंग इज रिपीटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करता है। तो अगर आप एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वी कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट के इक्विलिब्रियम पोजिशन के बारे में स्टडी कर रहा है एंड नॉट बिटवीन द टू फैक्टर्स। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ शूज़ एंड टॉयज। यू कैन सी ओवर हियर शूज़ के जो एग्जाम्पल में आप सिर्फ सप्लाई को स्टडी कर रहे हो, ऑन दी अदर हैंड टॉय के एग्जाम्पल में आप डिमांड को स्टडी कर रहे हो। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल टू स्टडी अ सिंगल फैक्टर ओवर हियर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली आइसोलेट्स द इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम दी अदर फोर्सेस। आपको पता ही होगा ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक सिंगल यूनिट को स्टडी करता है, वो बाकी चीज़ों से उसको अलग करता है एंड देन वी स्टडी इट इन डिटेल। सो सेम थिंग इज रिपीटेड, इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम दी अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। सो वो एक सिंगल यूनिट के इक्विलिब्रियम को अलग से पढ़ाई करता है। अब अ फोर्थ फीचर इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट दैट इज सेटरस पेरिबस। दिस अजम्पशंस मेक्स द एनालिसिस सिंपल। नाउ सेटरस पेरिबस का मतलब या अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि जब आप एक इंडिविजुअल यूनिट स्टडी कर रहे हो, वी ऑल नो दैट माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ अ सिंगल पर्टिकुलर यूनिट। सो व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट अदर थिंग्स यानी अदर जो
बी यूनिट सेड अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, देर वुड बी नो चेंज, देर वुड बी नो इंक्रीज और डिक्रीज और एनी अदर चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर. सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. अदर थिंग्स एंड अदर फैक्टर्स नीड टू रिमेन कॉन्स्टेंट. यू हैव टू अज्यूम दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट. जैसे हमने मेरी सैलरी का एग्जाम्पल लिया था, तो जब मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल दी अदर फैक्टर्स लाइक माई एक्सपेंसिस, द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. देर इज नो चेंज इन द एक्सपेंसिस एंड देर इज ओनली इंक्रीज इन माई सैलरी. सो आई कैन से आई हैव अज्यूम्ड दैट ऑल द अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट एंड देर इज ओनली इंक्रीज इन द पर्टिकुलर यूनिट दैट इज माई सैलरी. सो ये अजम्पशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी के लिए. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस थियोरी. माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थियोरी. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक पर्टिकुलर यूनिट से डील करता है. तो अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में डिसाइड करना है, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दी फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे कितना खर्चा हुआ है, या फिर अगर मैंने ये प्रोडक्ट कहीं से खरीदा है तो उसका कॉस्ट क्या पड़ा है मुझे, प्राइस क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए मैं उसका प्राइस डिसाइड करूँगी. तो अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल स्टडी कर रही हूँ, सो वो मुझे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, बिकॉज प्रोडक्ट को डिटेल में स्टडी करने के लिए मुझे चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स. और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब मैं स्टडी करूँगी डिटेल में एक प्रोडक्ट को, तो ऑटोमेटिकली मैं उसका प्राइस ही डिटरमाइन कर पाऊंगी. Analysis of market structure. Microeconomics analyzes different market structure such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc. Now there are various forms of market structure. ये सारे market structures के बारे में आप detail में पढ़ोगे आगे economics में, तो सारे market structure को detail में study करने में भी आपको microeconomics की ज़रूरत होती है. Our next feature is use of marginalism principle. The term marginal means change bought in total by an additional unit. अब इसका मतलब ये है कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज़ करता है. अब मार्जिनल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट आता है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि समझो मेरी सैलरी, अब जैसे जैसे मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है, पहले मेरी सैलरी 5000 थी तो उसमें मैं 700 सेव करती थी, अब मेरी सैलरी जैसे हमने डिस्कस किया था बढ़ गई है तो वो 5000 से 6000 हो गई है, तो क्या मेरी सेविंग्स सेम रहेगी या मेरी सेविंग्स में भी इंक्रीज होगा. मे बी हम कंसिडर करते हैं कि पहले मैं 700 सेव करती थी, अब मैं 800 सेव कर रही हूँ, तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ेगी देर वुड बी एन इंक्रीज इन माई सेविंग. अब ज़रूरी नहीं है कि जितनी सैलरी बढ़ी है एग्जैक्टली उसी अमाउंट से मेरा सेविंग भी बढ़े, तो वो डिपेंड करता है कि एक वेरिएबल में जितना चेंज आएगा उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस. तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसके हेल्प से अगर आप पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल एनालिसिस. बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल दोनों प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों के ही काम आता है ताकि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके. जैसे अगर मेरी सैलरी 10000 है तो ये 10000 को मैं किस तरीके से खर्च करूँगी, कौन सी चीज़ें खरीदूँगी. ज़रूरी नहीं है कि मैं कार में ही घूमूँ, हो सकता है मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग मैं पहले बस में जाती थी, अब मेरी सैलरी इंक्रीज होने की वजह से मैं ऑटो रिक्शा पे आ गई हूँ, तो नॉट नेसेसरी कि मैं डायरेक्टली कार पे जंप करूँगी. तो मैं अपने इकोनॉमिक डिसीजंस इसी मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड रखूँगी. आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ लिमिटेड स्कोप. नो डाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी का स्कोप है वो काफ़ी छोटा है. द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज यू कैन से जैसे आप देख सकते हो एंटायर इकोनॉमी को नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ एक हाउस होल्ड एक घर के खर्चे के बारे में वो स्टडी करता है. सो इट डज नॉट डील्स विद अ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन पॉवर्टी. तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये नेशन वाइड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करता है, उनको स्टडी नहीं करता है, ये एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में ही स्टडी करता है, उनकी प्रॉब्लम्स उनके फीचर्स उनके चेंजेस के बारे में ही स्टडी करता है.
नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. दैट मीन्स देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी जो है वो इम्पोर्टेंट ही क्यों है, क्यों हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है. तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्राइस डिटर्मिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है, अगर समझो मुझे किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है तो मुझे कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा कि उसमें मुझे खर्चा, मैंने खर्चा कितना किया है, जैसे मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना लगा है, इसके बाद मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना लगा है, इसके बाद मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहिए. तो ये सारी ही चीज़ों को मुझे पहले समझना होगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मुझे इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने में हेल्प करता है और जिसकी वजह से मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कर पाती हूँ. तो प्राइस डिटरमिनेशन में हेल्प करने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्री मार्केट इकोनॉमी. अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, देन हाउ मच टू प्रोड्यूस आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल. सो यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अगर समझो मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैंने मुझे मेरे फैक्ट्री में क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारे डिसीजंस मैं खुद लूँगी इंडिविजुअल लेवल पे. यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है. जैसे आपको पता होगा या आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आपको दो टाइप की इकोनॉमीज होती है, एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ों पे, यानी दो इकोनॉमी पे फोकस करेंगे. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर सारे डिसीशंस इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, वो सब इंडिविजुअल लेवल पे आपका जो ओनर है बिजनेस का वो लेता है. ऑन दी अदर हैंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसीशंस लेती है कि आप क्या बनाओगे, आप कितने में बेचोगे, और ये जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस है वो गवर्नमेंट लेगी, आपको वो पावर नहीं दी जाती है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी स्टडी करता है, यानी आप खुद ही डिसाइड करते हो इंडिविजुअल लेवल पे कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा. सो देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बाय द गव ओके सो देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और एनी अदर एजेंसी, यानी गवर्नमेंट या फिर और कोई भी सिमिलर एजेंसी का इंटरवेंशन यहाँ पर. अब थर्ड पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड का मतलब आपको पता ही है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स और एनी टू कंट्रीज गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा. तो जब फॉरेन ट्रेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे टैरिफ रेट्स क्या होंगे, उसका टैरिफ रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तो पर्टिकुलर कमोडिटी का सेल्स या दैट इज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, देन डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट्स क्या होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ों पर आप जब डिटेल में स्टडी करोगे तो अगेन इट कम्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप फॉरेन ट्रेड को डिटेल में स्टडी कर पाओ. आपका अब फोर्थ पॉइंट इज बिजनेस डिसीजंस. माइक्रो इकोनॉमिक थियोरीज आर हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस. अब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो नो डाउट आपको बहुत सारे क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस लेने होंगे, यानी आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे. अब ये डिसीजंस लेने के लिए, अब ये डिसीजंस बेसिकली रिलेट किससे करेंगे, दिस डिसीजंस आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ द गुड्स, आप ये प्रोडक्ट्स को कितने में बेचोगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो डिसीजन है आप कैसे ले पाओगे, जब आप पर्टिकुलर चीज़ों को डिटेल में स्टडी करोगे, यानी आप अपने ही बिजनेस में अलग अलग चीज़ों को जब डिटेल में स्टडी करोगे तो डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे आप बिजनेस में सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हो ताकि आप इजीली अपने बिजनेस डिसीजंस ले पाओ.
आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जो आपको इकोनॉमी को ईजीली समझने में हेल्प करते हैं. इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाई डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स और टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा. सो दिस मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, बहुत सारे टर्म्स दिए हैं जो इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को स्टडी करने में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट. नो डाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा. अब गवर्नमेंट को भी बहुत सारे पॉलिसीज बनाने होते हैं, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि टैक्स कितना लेना है हमें, हम कैसे लोगों से टैक्स लेंगे, कितना टैक्स रेट्स होना चाहिए. मॉनिटरी पॉलिसी रिलेट्स टू द मनी कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होना चाहिए, बैंकिंग रेट्स क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे. ट्रेड पॉलिसी ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कौन से टैक्स लोगों को देने होंगे ट्रेडिंग के लिए. तो ये सारी चीज़ें जब आप स्टडी करते हो, यानी गवर्नमेंट जब ये चीज़ें स्टडी करेगी तो डिटेल में स्टडी करेगी तभी तो वो पॉलिसीज़ बना पाएगी. सो अलग अलग पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए ये जो डिटेल स्टडी है ये भी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से ही होगा. दिस पॉलिसीज़ हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्यों बनाएगी, ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर पाए और अच्छी तरीके से. जितना भी अब टैक्स से पैसे कलेक्ट तो कर लिए हमने, अब ये पैसों को अलॉट कैसे करना है, यानी कौन सी जगह पे खर्च करना है, ये भी सोचने में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हेल्प करेगा. जब आप देखोगे ओके एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, आप बोल सकते हो कि अब क्लीनलीनेस के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है. तो गवर्नमेंट को कौन सी जगह पे कितना खर्चा करना है वो डिसाइड करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हेल्प करेगा. एंड अवर लास्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर. अब गवर्नमेंट कितना पैसा टैक्स में कमाएगी, कहाँ उसको खर्च करेगी, कैसे एलोकेट करेगी, कौन सी जगह पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, ये सब कुछ भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से ही पता चलता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स हाउ द बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन. यानी जितना भी पैसा आया है उसको बेस्ट तरीके से कैसे डिवाइड करना है, उसको स्टडी करने के लिए यानी उसको समझने के लिए या उसको डिसाइड करने के लिए आपको फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है. इट ऑल्सो स्टडीज़ हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर. अब टैक्सेस जब आप कलेक्ट करते हो तो आपको पता होगा कि जो अपर क्लास है यानी जो क्लास ज़्यादा इनकम कमाती है उनसे टैक्सेस भी ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है. ऑन दी अदर हैंड द क्लास विच अर्न्स लेस इनकम उनको टैक्सेस भी कम पे करने पड़ते हैं. तो कैसे सोशल वेलफेयर के लिए ये टैक्सेस को यूज सकता है वो भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही समझ में आता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.